नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां मैं दे दूं। तो 11:30 बज चुके हैं, तो क्लास की शुरुआत की जाए। तो आज देश में पहली बार जो है यूपी के अमरोहा में एक महिला को जो है आज़ादी के बाद पहली बार फांसी दी जाएगी। उसका डेट अभी मुकर्रर नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन जल्द ही उस पर फांसी दी जाएगी। तो पहली महिला बनने जा रही है, इतिहास एक बनने जा रहा है। और मैं बात करूं तो झारखंड में वहाँ पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, जिसमें प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में लगभग 3,550 में 399 स्कूल और 18,000 छात्र लगभग फर्जी निकले हैं। तो सरकार जो है बड़ी पैमाने पर जांच कर रही है, झारखंड सरकार। और पंजाब निकाय चुनाव की बात की जाए तो वहाँ पे कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत दर्ज की गई है, और आप और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो है करारी हार देखने को मिली। सबसे महत्वपूर्ण आज का जानकारी मैं दे दूंगा आपको कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने जो है बुधवार को अपना 66वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनके समर्थक तेलंगाना सरकार के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने देवी यलमन्ना तल्ली को 2.5 किलो के सोने की साड़ी चढ़ाई है। इसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बतलाई गई है। इसके अलावा टीआरएस नेताओं ने राज्य में लगभग 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। तो ये थी कुछ सुर्खियाँ। आगे चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास, तो फटाफट जानते हैं। सबसे पहले तो आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और उसके जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन पर डे एज ए डेली करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डेली एवरी डे डिस्कशन किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। रोज की तरह आपको आज भी 5 महत्वपूर्ण सवाल देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों में से एक हैं। तो चलिए आज का क्लास की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले आज का इतिहास को विस्तार से जानते हैं। तो पहला आज का सवाल है, आज का इतिहास जुड़ा हुआ, आज ही के दिन वर्ष 2006 में भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हुआ था। कब? 2006 में। आज ही के दिन वर्ष 2010 में वेबसाइट विकिलीक्स ने अमेरिकी सरकारी दस्तावेजों को पोस्ट करना शुरू कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने भिखाजी कामा, दादाजी नौरोजी और एआर राणा की आदि की मदद से लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना की। आज ही के दिन वर्ष 1836 में महान संत विचारक रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल के हुगली जिले में हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1940 में रॉयल इंडियन नेवी के जवानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। भारतीय और एंग्लो इंडियन जवानों की वेतन में असमानता के मुद्दे पर की गई इस बगावत को रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी या मुंबई म्यूटनी के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, और उनके जवाब साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का इतिहास है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिले हैं, है ना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई, किनके द्वारा की गई, और रॉयल इंडियन नेवी के जवानों ने कब बगावत किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, और विकिलीक्स की वेबसाइट जो है कब लॉन्च किया गया, उसको पोस्टिंग कब की गई, और 2006 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो थार एक्सप्रेस की शुरुआत का शुभारंभ किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में 12,195 करोड़ रुपये की दूरसंचार उपकरणों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के लिए इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इसे आने वाले सालों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही 17,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा टैक्स का संग्रह संभव हो सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि देश में ऐसे उत्पादों का 50,000 करोड़ से ज़्यादा का आयात होता था, अब नए ऐलान से इस दिशा में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको सवाल देखने को मिला। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे को। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 12,195 करोड़ रुपए का PLI स्कीम की घोषणा कर दी है, जिसमें 5G अगली पीढ़ी की रेडियो एक्सेस नेटवर्क से संबंधित उपकरण, वायरलेस उपकरण, एक्सचेंज एंड कस्टमर माइग्रेशन उपकरण के बनाने का प्रोत्साहन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। मोटिवेशन लाइन आज की, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे ऊपर उठता है। बिल्कुल सही बात है, क्या किसी ने खूब लाइन लिखी है, किसी उदय किसी का
भी अचानक नहीं होता, सूरज धीरे धीरे ऊपर उठता है। यानी आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल करनी होगी, रणनीति के साथ करनी होगी, प्रत्येक दिन करनी होगी। आपको समय देना पड़ेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तभी आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब करने चाह रहे हो, जनरल कॉम्पिटिशन में फाइट कर रहे हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, या किसी भी सेक्टर से आप बिलोंग करते हो, तो आपको धीरे दिन बाय दिन प्रतिदिन आपको मिलने वाली है। अचानक से आप सोचोगे कि नहीं, हम एक दिन में, एक साल में प्राप्त कर ले, अपनी अचीवमेंट को पूरा कर ले, अपने ड्रीम को पूरा कर ले, अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर ले, तो ये संभावना नहीं है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, हम सभी को आज की का मोटिवेशन लाइन से हम सभी प्रोत्साहित और जो है आनंदित हुए। चलिए आगे देखते हैं, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को शुरुआत की जाए। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर कॉपी लेकर तैयार रहिए आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की नोट्स तैयार करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि और करंट अफेयर नोटिफिकेशन मिल सके और लोगों को शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के CEO जेफ बेजोस और संस्थापक एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। यानी इससे पहले जो है एलन मास्क बन गए थे टेस्ला और स्पेसएक्स की मालिक, तब जो है उनका 458 करोड़ रुपए का गिरावट जो है उनकी संपत्ति में आई है 24 घंटे में। तो 191 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जेफ बेजोस जो है पहले स्थान पर काबिज हैं। तो अमेजन के ये मालिक हैं वर्तमान में, और इन्होंने हाल ही में घोषणा किया कि वो अपना जो है उत्तराधिकारी को बना देंगे और वो अपना जो है CEO पद से जो है हटने वाले हैं, ऐसी उन्होंने घोषणा की थी। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर का वर्ष 2019 में विशेष दर्जा खत्म की जाने के बाद वहाँ के हालात का जायजा लेने फ्रांस, यूरोपीय संघ और मलेशिया समेत 24 देशों के राजदूतों का एक प्रतिनिधि दो दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुँचा है। तो ये जो है ये तीसरा या दूसरा बोल सकते दूसरा जत्था जो है जो आया है, पहले भी एक बार आके ये कर चुका है जम्मू कश्मीर में द्वारा। तो ये फिर से एक बार आया गया है कोरोना काल के बाद से, और यहाँ पे देखना चाह रहा है कि क्या स्थिति में सुधार हुई है। तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानेंगे भारत के बारे में। आगे देखते हैं, दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर ग्लोबल एनालिसिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो देख सकते हैं कि 2017 में अब तक आदिवासियों के लिए लड़ रहे लगभग 327 लोगों की हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। 40% मामलों में गिरफ्तारी या प्रताड़ित किया गया है, आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। इनमें लगभग 6 भारतीय भी हैं। एक साल में 44 महिलाएं समेत 331 मानवाधिकारकर्ताओं की हत्या की गई है। इन 6 भारतीयों की भ्रष्टाचार, जमीन माफिया, दलित अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर हत्या कर दी गई है। तो पंकज कुमार, रंजन कुमार दास, शुभम मीन त्रिपाठी, मणि त्रिपाठी, बाबर कादरी, राकेश सिंह, निर्भीक देव महेश्वर, ये 6 लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं और जो है जिनकी हत्या कर दी गई है। जिनकी हत्या हुई उनमें से 2/3 लोग पर्यावरण, जमीन, आदिवासी के अधिकारों के लिए काम कर रहे थे। आगे बता दूं, दुनिया भर में 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने के लिए के साथ साथ चांदी का खपत भी बढ़ेगी। लगभग मौजूदा समय में लगभग 75 लाख औंस 5G टेक्नोलॉजी में चांदी की सालाना मांग है। 0.75% चांदी की कुल सालाना वैश्विक सप्लाई 2025 तक है। 1.6 करोड़ औंस तक पहुँचेगी 5G में चांदी की खपत। 2023 तक 2.3 करोड़ औस तक पहुंचेगी 5G में चांदी की खपत। 1.60% चांदी की कुल सालाना वैश्विक सप्लाई है ये। तो ये देख सकते हैं कि चांदी की लगातार मांग बढ़ने वाली है, चांदी का कीमतों पर भी उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में तो कीमत गिर रहा है। 5G टेक्नोलॉजी पर चांदी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो देख सकते हैं चांदी की अधिकतम मांग वाली टेक्नोलॉजी ये बनने वाली है 5G। तो 5G के लिए इनकी ज़रूरत जो है बेब स्टेशंस के लिए वायरलेस ब्रांडेड की जगह नए होम डिवाइसेज, 5G स्मार्टफोन, 5G एंटीना, रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल, ऑप्टिकल ट्रांसमिशर्स। 5G के लिए इनकी जो मांग बढ़ेगी सेमीकंडक्टर, IC चिप्स, केबलिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, MES सेंसर्स, IoT डिवाइसेस। चांदी में गिरावट भी दर्ज की गई, चांदी में लगभग 1274 रुपये की हानि के साथ लगभग 68,239 रुपये किलो प्रतिग्राम बंद हुई है, जिसका पिछला बंद जो है भाव 69,513 रुपये प्रति किलो था। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक ने है तपन पटेल ने कहा कि सोने की वैश्विक कीमत में गिरावट अनुरूप दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर की कीमत में 117 रुपये गिरावट दर्ज की गई है। तो चांदी की गिरावट भी हो रही है और मांग भी बढ़ रहा है।
तो दरअसल जो है 5G टेक्नोलॉजी के सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आपस में जोड़ने का काम करेगी। ऐसे में अगले 5 वर्षों के दौरान इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का चलन बढ़ेगा। कनेक्टेड डिवाइस धीरे धीरे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। विकास की इस पूरी प्रक्रिया में चांदी की चमक बढ़ेगी। कारण यह है कि 5G से जुड़ी हर चीज़ का संबंध कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से होगा। सेमी कंडक्टर्स, MLCC और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसमें शामिल है। इसमें काफ़ी चांदी का इस्तेमाल होता है, तो चांदी का मांग लगातार बढ़ रही है। किंतु अभी वर्तमान में जो है देखा जाए तो इसका रेट में भी कोई इजाफा नहीं हुआ, उल्टा गिर रहा है। आगे देखते हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P यानी सेंटर एंड पुअर्स के अनुसार 2022 में भारत का ग्रोथ रेट जो है 10% रहने वाला है, ऐसा अनुमान जो है किया गया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P यानी ग्लोबल एंड सॉरी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत का दुनिया सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक होगा। एजेंसी ने 2021-22 के दौरान भारत की विकास दर 10% रहने का अनुमान भी जताया है। आगे बता दूं, दक्षिण अफ्रीका के एक पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टेस्ट से संन्यास ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टेस्ट को अलविदा कह दिया है। वे डेब्यू टेस्ट की चौथी पारी में शतक बनाने वाले एकमात्र दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज थे। दुनिया में 8 खिलाड़ी ऐसे ही कर सके हैं। उन्होंने 69 टेस्ट मैच में लगभग 40.02 औसत से 4,163 रन बनाए। 2016 से 2020 तक 36 टेस्ट मैचों की टीम की कप्तानी भी की, जिनके 18 मुकाबलों में जीत मिली जबकि 15 में हार और 3 मैच ड्रॉ हुआ है। ये काफ़ी अच्छे बल्लेबाज थे। आगे देखते हैं। गूगल ने लैटिन अमेरिका और एशिया में कोरोना पर पढ़ाई छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों में $75 मिलियन यानी करीब 546 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। यानी गूगल का कहना है कि छोटी कोरोना से प्रभावित छोटी मध्यम दर्जे की कंपनियों को मदद की जाएगी। भारतीय कंपनियों की बात की जाए तो उसमें लगभग $15 मिलियन यानी 100 करोड़ रुपया जो है मदद इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और बाकी जो है लैटिन अमेरिकी देश की कंपनियों में की जाएगी। गूगल और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड जो है और 2 अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर जो है ये निवेश करने जा रही है। आज़ादी के बाद पहली बार देश में यूपी की महिला को फांसी दी जाएगी। महिला ने जो है 7 लोगों का हत्या की थी, 10 माह के भतीजे सहित। तो ये 2008 का कांड है जिसमें जो है 13 साल पहले ये घटी थी। रूह कपा देने वाले हत्याकांड में जो है अंजाम देने वाली इनका नाम शबनम है और उनके प्रेमी सलीम ने जो है दोनों मिलकर ने इसका इस जो है घटना को अंजाम दिया था। तो जल्द ही जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें तारीख का मुकर्रर कर दिया जाएगा। और बिहार से जो है रस्सी मंगाई गई है। निर्भया के दोषियों को लटकाने वाले जल्लाद भी जो है जेल का जो है दौरा कर चुके हैं। तो इनको जो है जल्द ही मथुरा के जिला कारागार स्थित इकलौते फांसी महिला फांसी घर में इसको फांसी दी जाएगी। तो ये जान सकते हैं देश का इकलौता जिला मथुरा का फांसी घर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। आगे देखते हैं। अब EPFO में धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़े सुधार ऑनलाइन नहीं किए जा सकेंगे, EPFO ने साफ तौर पर कह दिया है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आपको देखने को मिल रही है कि EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत सदस्य अब डॉक्यूमेंट के बिना ऑनलाइन नाम या प्रोफाइल में बड़े बदलाव नहीं कर सकेंगे, जांच के बाद ही जो है ऐसे बदलाव किए जा सकेंगे। यानी अब आपको ऑफलाइन जो है जाँच करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका ऑनलाइन सुधार वेरिफिकेशन हो जाएगी या की जाएगी। तो मैं बात करूं पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, आप और बीजेपी की करारी हार देखने को मिली है। यानी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा था पंजाब में, इसका जो है फायदा कांग्रेस को मिला है। मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 7 नगर निकायों में और 109 नगर परिषदों के चुनावों में जोरदार जीत हासिल की है। तो बहुत बड़ा एक तरह से जीत दर्ज किया गया है। सनी देवल का जो गुरदासपुर लोकसभा संसद क्षेत्र है उसमें भी जो है कांग्रेस ने 29 सीटों पर दर्ज की है और 8 नगर निगमों और 109 नगर पंचायतों के लिए 14 फरवरी को मतदान ये जो हुआ था उसमें जीत मिली है। तो चलिए आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज मैं अध्ययन से जुड़ा हुआ सवाल बताने वाला हूँ, स्टडी ऑफ क्राइम, तो क्रिमिनोलॉजी। इस तरह का अक्सर एक दो सवाल आपको SSC CGL रेलवे ग्रुप डी NTPC पूछे या देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। स्टडी ऑफ एक्स यानी उलोजी, स्टडी ऑफ राइटिंग यानी पेलियोग्राफी, स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स बिहेवियर इथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स और निथोलॉजी, स्टडी ऑफ सीक्रेट्स क्रिमिनोलॉजी।
आप सभी को पता होगा स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ मैन एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का अध्ययन, इसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गाई साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स पैलेंटोलॉजी, इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको हमेशा अक्सर देखने को मिलेंगे। तो ये 1-1 सब्स्टिट्यूशन में आता है, इसको जरूर याद करें। ये आपका कहा जाए तो रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है और इंग्लिश से जुड़ा हुआ सवाल भी हो सकता है, तो इसको एक बार जरूर देखिए। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूछा जाता है 1-1 वर्ड्स का, तो इसमें जो है अच्छा सवाल बनता है, तो प्रत्येक एग्जामों में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आज का क्लास, आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सवाल खेल जाते जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि और काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और जाते जाते आपसे फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आप कोई तरह का सुझाव या सजेशन या ओपिनियन देना चाहते हो तो जरूर दें ताकि मैं इस पर अमल कर सकूँ, और कोई तरह का सुधार करना हो तो मैं जरूर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।